बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और आप सब की दुआओं से हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। एंड वेलकम टू दी आयशा ब्लॉग। तो आज मैं आपके साथ में दो सिंपल सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो कि बहुत इजी है और क्विक है और बहुत अच्छी लगती है। तो आज मैं बनाने वाली हूँ सेंग की चिक्की और तिल की चिक्की, इसलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखो। तो यहाँ पर मैंने सेंग रोस्ट करने के लिए रख दी और बीच बीच में मैं इसको चला लूँगी। और यहाँ पर जो जैगरी है हमारा गुड़, उसको मैं चाकू की मदद से थोड़ा सा लूज़ कर दे रही ताकि ये एक पैन के अंदर अच्छे से मेल्ट हो सके। तो सेंग यहाँ पे अच्छे से रोस्ट हो गए थे तो मैंने उसको ठंडा होने के लिए रख दी पैन में से निकाल के। और यहाँ पर आधा कटोरी मैंने तिल ली और इसको भी पैन के अंदर में डाल दूँगी। हल्का सा इसको भून लूँगी, इसका कोई कलर वलर कुछ भी चेंज नहीं करना है, बस हल्का सा इसको भून के मैं निकाल लूँगी। और यहाँ पर है ना जो पीनट की जो हमारे छिलके हैं उसको भी हम निकाल लेंगे हाथ से क्रश कर करके। तो मैंने वही पैन चढ़ा दी गैस के ऊपर और थोड़ा सा इसके ऊपर है ना बटर डाली। और शुगर से बनाने वाली हूँ मैं एक चिक्की जो कि है तिल की। तो पहले तिल की चिक्की बनाएंगे, फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम जैगरी और पीनट की चिक्की बनाएंगे। तो बटर मैंने डालने के बाद इसमें जो चीनी डाली उसको कैरमलाइज्ड होने के लिए रख दी, मतलब ये अच्छे से मेल्ट हो जाएंगी। इसमें बिल्कुल भी पानी वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करना है, ये डायरेक्टली कैरमलाइज्ड हो जाती है। शक्कर अपना जो पानी है वो रिलीज़ कर देती, तो इसको बस चम्मच ऐसे हिलाते रहना है तो वो बराबर से पिघल जाएंगी शक्कर। मैं आपको आगे बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो शक्कर थी वो ऐसा लग रहा ही नहीं है कि ये शक्कर है और पूरा पिघल गई, पूरी कैरमलाइज्ड हो गई। और इसके अंदर मैं थोड़ा सा एक पिंच के हिसाब से बेकिंग जो सोडा रहता बेकिंग सोडा तो वो सोडा ऐड कर दी। इसके वजह से चिक्की बहुत अच्छी बनती तिल की। ये ऑप्शनल है, अगर आपको डालना है तो आप डाल सकते हैं। और इसको मैं थोड़ा सा स्टर करूँगी और इसको चेक कर लूँगी कि मतलब बराबर इसकी कंसिस्टेंसी है क्या नहीं। तो अगर इसको चेक करना है तो बस एक कोल्ड वाटर लो नॉर्मल टेम्परेचर वाला और उसके अंदर थोड़ा सा ये जो हमारा बैटर जैसा है चीनी का तो वो चीनी इसके अंदर डाल के देखो। अगर अच्छे से क्रश हो गई डैट मीन्स कि वो एकदम अच्छे से हमारी चिक्की रेडी हो जाएंगी। और जो तिल थी तो मैंने तिल भी इसके अंदर ऐड कर दी और इसको हम अच्छे से हिला लेंगे। और मुझे इसके अंदर थोड़ा सा पीनट का भी फ्लेवर चाहिए था तो इसलिए मैंने हल्के से इसके अंदर क्रश करके पीनट्स भी ऐड कर दी और इसको भी हम अच्छे से हिला लेंगे। और गैस की फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दी क्योंकि है ना मेरी जो चीनी है उसका काफ़ी कलर चेंज हो गया था, कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो कड़ू हो जाए खाने के लिए। तो गैस की फ्लेम ऑफ़ करने के बाद में मैंने उसको थोड़ा हिलाई और ये मतलब एक बर्तन ली प्लेट, उसका बैक साइड के ऊपर है ना थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर दी और इसके ऊपर हम हमारा जो तिल का जो बैटर है चिक्की वाला तो वो इसके ऊपर डाल देंगे अभी। तो यहाँ पर मैंने प्लेट के ऊपर डाल दी थी लेकिन है ना वो बहुत ज़्यादा गर्म थी और थिकनेस भी उसकी ज़्यादा थी, मैं हाथ से उसको है ना स्प्रेड नहीं कर पा रही थी, इसलिए मैंने ना एक चम्मच ली और चम्मच को हल्का सा ऑयल ग्रीस करके फिर इसको ऐसा थोड़ा सा स्प्रेड कर दी तो वो थोड़ी सी उसकी थिकनेस कम हो गई। क्योंकि जो तिल की जो चिक्की रहती वो थोड़ी पतली ही अच्छी लगती खाने में। और इसके बाद में मैंने इसको एक नाइफ़ की मदद से स्क्वायर शेप में इसको कट कर ली। Thank you.
गरम है। तो मैंने वो जो तील वाली चिक्की थी इसको थोड़ा ठंडा होने के लिए रख दी। बाद में मैं उसको आपको तोड़ के भी बताऊंगी। और यहाँ पर जो सेंग थी मैंने उसको थोड़ा सा ग्राइंड कर ली मिक्सी की जार में। और यहाँ पर जो जैगरी हमने कट करे थे स्टार्टिंग में, तो वो भी मैंने एक पैन के अंदर डाल दी। मैंने वही पैन ली जिसके अंदर चिक्की बनाई थी मैंने तील वाली, और इसको थोड़ा सा क्लीन कर ली। और यहाँ पर जैगरी को भी अच्छे से हम मेल्ट कर देंगे। तो जो गुड़ था वो अच्छे से मेल्ट हो गया था, तो इसको मैं पहले चेक कर लूँगी कि इसकी कंसिस्टेंसी प्रॉपर है या नहीं। तो मैंने इसको ना पानी के अंदर डाली और ये है ना बिल्कुल भी सही नहीं था, इसको थोड़ा और पकाने की ज़रूरत थी। तो इसलिए मैंने इसको और थोड़ा मीडियम फ्लेम के ऊपर थोड़ा सा पकाई, और इसके बाद में ना उसकी कंसिस्टेंसी बराबर हो गई थी और इसका कलर भी बहुत ज़्यादा चेंज हो गया था। तो जैसे इसका कलर चेंज हो गया था तो मैंने गैस की फ्लेम है ना ऑफ़ कर दी थी। और इसके बाद में जो सेंग मैंने मिक्सर में ग्राइंड करके रखी थी तो वो सेंग इसके अंदर डाल दी मैंने। ज़्यादा भी फाइन पाउडर नहीं बनाई और ज़्यादा भी मोटे नहीं है, एकदम मीडियम है मेरी सेंग, जस्ट लाइक क्रस्ट पीनट। और इसके बाद में इसको मैंने डाल के पूरा अच्छे से मिक्स कर ली। तो आप देख सकते हैं वीडियो में क्या कैसी इसकी कंसिस्टेंसी हो गई है। और इसके बाद में मैंने एक ट्रे ली और उसको बैक साइड के ऊपर थोड़ा सा ऑयल फिर से ग्रीस कर ली, और इसके ऊपर हम वो जो चिक्की वाला बैटर है वो इसके ऊपर डाल देंगे और इसको एक अच्छे सा स्क्वायर शेप में कट कर लेंगे। तो यहाँ पर चिक्की तो 99.9% रेडी हो गई है, बस इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे और इसके बाद में इसको कट करेंगे, मतलब तोड़ के बताऊंगी मैं आपको। और जो पहली वाली चिक्की है तो वो भी ठंडी हो गई थी। तो ये भी एक चिक्की मैंने बनाई थी लेकिन इसका कोई शूट नहीं करी थी। तो जैसे मैंने तील वाली चिक्की बनाई तो सेम वैसी ही थी, इतना है कि उसके अंदर जो पीनट है वो नहीं डाली थी हमने क्रश करके, और ज़्यादा इसको इसका कलर भी नहीं चेंज करी थी। और इसके बाद है ना इसको थोड़ा सा काजू से मैंने डेकोरेट कर दी थी। तो ये भी थर्ड रेसिपी है, एक्चुअली मैं दो ही शेयर करने वाली थी लेकिन इससे पहले जब मैंने बनाई थी ना तो बस इतनी सी क्लिप शूट करी थी, तो मैंने सोची वो भी मैं आपके साथ में शेयर कर लेती हूँ। तो ये है वो चिक्की जो हमने अभी बनाए, और माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी क्रंची और बहुत अच्छी बनी है, और उसका कलर भी बहुत अच्छा आया। तो आप ज़रूर से ये रेसिपी ट्राई करना, और इसकी बस आप आवाज़ सुनो, इसकी शेप्स के ऊपर मत जाओ। तो जब मैंने इसको कट करी थी ना तभी मैंने इसको थोड़ा सा चख ली थी, तो माशाल्लाह इसका टेस्ट बहुत अच्छा आया था, और मतलब ऐसा ना क्रिस्पी भी टेस्ट लग रहा था इसका, और पीनट और तिल का जो कॉम्बिनेशन है वो एकदम परफेक्ट लग रहा था। और इसको मैं ना एक कंटेनर के अंदर फिल करके रखूँगी, तो कोई भी कंटेनर के अंदर इसको रख सकते हैं, ऐसा नहीं कि मतलब ये पिघल जाएंगी या फिर एक डब्बे के अंदर डालेंगे तो ये जम जाएंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये है हमारी सिर्फ सेंग की चिक्की जो है क्रस्ट पीनट की, तो माशाल्लाह से ये भी एकदम परफेक्ट बनी है। आप इसको भी ट्राई करना ज़रूर। और आज की मेरी जो व्लॉग है, मेरा रेसिपी विंटर स्पेशल चिक्की रेसिपी, तो अगर आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। और सबसे पहली बात, हमेशा खुश रहिए।